الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم

जो इनके आगे हैुजर है। चुकी इनसे पहले जिनों की और इंसानों की इन निन बेश ये लोग खसारा उठाने वाले पिछले एहतिक्रीमा में अल्लाह तिक्र कर रहे है उन लोगों का की जो एराज करते हैं और जो पुरानो सुन्नत की बात पर अल्लाह रसूल की बात पर तोजह नहीं करते हमने पढ़ा अगर एराज करें तो आप कह दीजिए अल्लाह के नबी के मैं डराता हूँ तुम्हें उस तरह के सख्त अजाब से जिस तरह का अजाब कौम कौम समूद पर आया दुनिया में उस तरह का रस्वाकुन अजाब और आखिरत में होलनाक नाक तरीन अजाब आग का अजाब और किस तरह आखिरत में तमाम इनके मुखालिफ हो जाएंगे काफिर आपस में दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के एक दूसरे से भागेंगे कोई किसी दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा हर एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा हर एक दूसरे से भागेगा इनके मबूद इनके दुश्मन बन जाएंगे ये उनके दुश्मन बन जाएंगे इनके अपने अजाही इनके मुखालिफ हो जाएंगे इनके आजाही इनके मुखालिफ गवाहियां देंगे पीछे हमने तफसील पढ़ी है तो इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं वकी अजना इन्हीं जैसे लोगों के लिए वक़ई अजना हमने लगा दिए इनके इनके साथ ना साथी कई लफ्ज़ी मतलब अल अरबी जबान में अंडे के छिलके को कहा जाता है जिस तरह अंडे का छिलका उसके साथ बिल्कुल उसके साथ लगा होता है तो गोया कि यहाँ उस अंदाज से साथ लगाने की बात है यानी हम लगा देते हैं इनके साथ या हम मुकर कर देते हैं इनके साथ कुराना आ कुराना आ ये करीन की जमा है करीन साथी दोस्त मिला हुआ हम लगा देते हैं इनके साथ साथी फजैन वम अब वो साथी क्या करते हैं वो साथी कौन है वो श, शयातीन वो बुरे साथी हैं वो अल्लाह इनके ऊपर मुसलत कर देते हैं ऐसे एराज करने वालों पर इनकार करने वालों पर दुनिया और दुनिया में मगन रहने वालों पर लाहबो लाभ में पड़े रहने वालों पर अल्लाह क्या करते हैं अल्लाह उनके साथी ऐसे मुकर कर देते हैं उनके साथ ऐसे लोगों को लगा देते हैं ऐसे बर, बु, बुरे साथी फजईन वो मुजैन कर देते हैं इनके लिए जो इनके आगे है और जो इनके पीछे हर चीज़ इनके लिए मुजयन कर देते हैं यानी जो इनके बुरे अमाल हैं बुरे अमाल से तो यानी मुसलमान तो मुसलमान का फित्री तौर पर तो काफी भी बु, बुरे अमाल को अच्छा नहीं समझता <coughs> मस सच और झूठ है तो मुसलमान को तो सच बोलने का हुक्म है वैसे तो फितरी तौर पर उखार भी कहते हैं सच बोलना चाहिए इंसाफ और बेानसाफ़ी में से इंसाफ करना चाहिए वादा खिलाफी या वादे पर अमल करना तो सब कहते हैं वादे पर अमल करना चाहिए तो जो इस्लाम के अहकाम हैं फितरी अहकाम हैं तो फितरी अहकाम मुसलमान तो मुसलमान वैसे तो यानी काफिर काफिरों के हाँ भी वही अहकाम आख, बेहतर हैं जो फितरी हैं आ, और जो बुरे हैं अफ़ाल वो कुफ़ार के यहाँ भी बुरे हैं लेकिन होता क्या है कि जब ये एराज करते हैं पुरान सुन्नत का अल्लाह रसूल की तलीमत से तकबर करते हैं सरकशी करते हैं तो अल्लाह इनके बुरे अमाल को इनके लिए यानी अल्लाह इन इनके लिए बुरे साथी मुकर कर देते हैं वो बुरे साथी इनके बुरे हमारे इनके लिए ये मुजयन कर देते हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एक अजाब होता है दुनिया में यानी गोया कि अल्लाह इनकी आँखों पर पट्टी बांध देते हैं इन इन्हें बुरी बातें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं तो अल्लाह इनके ऊपर गोया के बुरे लोगों को शैतानों को इस तरह करके मुसलत कर देते हैं बुरी सोसाइटी को बुरे साथियों को वो तो बुरे साथी हर बुरे आ, अमल को इनके सामने मुजैन बनाकर पेश करते हैं मा बीना मामा खल्फाम जो इनके आगे है जो इनके पीछे है यानी हर चीज़ हर बुरी चीज़ इनके लिए ये मुजैन हो जाती है ये समझते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं हालांकि वो इतना बुरा होता है कि मुसलमान तो मुसलमान एक काफिर को भी समझ आती है वो चीज़ बुरी है लेकिन उसकी मत मारी जाती है और गोया के वो ये एक अजाब है अल्लाह की तरफ से इंसान की ऐसी मत मारी जाए कि इंसान को बातिल हक नजर आए बुरे काम अच्छे नजर आए बुरे काम मुजयन हो जाए खूबसूरत लगे तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा अहब होता है कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग बाकायदा यानी ये अल्लाह का अजाब है कुछ लोग इस अजाब को नहीं समझ पाते वो कहते हैं अगर हम गलत हैं अगर अल्लाह के नाफरमान है हम पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता तो यही तो अल्लाह का अजाब है जो आप पर मुसलत हुआ हुआ यानी अल्लाह ने आपके ऊपर अल्लाह ने ऐसे लोगों पर ऐसे बुरे साथी अल्लाह ने मुकर कर दिए हैं इनके दोस्त बना दिए हैं इनके ऊपर मुसलत कर दिए हैं कि बुरे माल वो इनके सामने मुजिन बना बना कर खुशनुमा बना बना कर पेश करते रहते हैं तो इन्हें लगता ही नहीं है, हम बुरा काम कर रहे हैं ये समझते हैं हम तो बड़े अक्लमंद हैं हम तो बड़े जहादीदा हैं हम तो बड़ी समझ रखते हैं दुनिया की हम तो ये, हम तो वो, ये वो यही अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब होता है यानी अजाब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाए कोई जलजला आ जाए कोई वाली बीमारी आ जाए कोई कोई वैसे इंसान बीमार हो जाए वैसे हादसा हो जाए सिर्फ यही अल्लाह का अजाब नहीं है इससे बड़ा अजाब यह है कि बुरे अमल अच्छे लगने लगे इंसान को एहसास ना हो कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और वो अपने बुरे कामों को अच्छा समझे तो हम मुकर्र कर देते हैं उनके लिए ऐसे साथी वो मुजयन कर देते हैं उनके लिए जो उनके आगे है और जो उनके पीछे जो उनके आगे जो उनके पीछे यानी हर चीज़ हर बुरी चीज़ उनके लिए मुजयी कर देते हैं बाद बादफीन कहते हैं माँ बी नदी हिम से मुराद दुनिया के अमाल दुनिया वमा खलफाहम और वमा खलफाहम से मुराद आखरत के जो हैं वो दुनिया और आखरत की हर चीज़ वो उनके बुरी चीज़ उनके लिए मुजिन बना के पेश करते हैं बाद में आने वाली बाज कहते हैं माँ बी नीदी हिम से मुराद जो काम वो कर रहे हैं वो वमा खलफाहम से मुराद जो काम पहले कर चुके थे बुरे काम उनको भी उन्होंने इनके सामने मुजैन बनाया तो माबीना दी से मुराद या तो जो वो काम कर रहे हैं और माँ खल्फ हमसे मुराद जो कर चुके हैं या माबीना दी से मुराद दुनिया के अमूर और माँ खलफा हमसे मुराद आखरत के अमूर जिसका ताल्लुक आखरत से है तो या माबीना दी हिम से मुराद इनके आगे पीछे यानी हर किस्म के इनके अमाल को इनके लिए ये मुजीन कर देते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से यानी आप समझिए कि मोहर लग जाती है अल्लाह की तरफ से दिल बंद हो जाते हैं कान कानों पर बोझ आ जा जाता है आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं बुरी बातें है, अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं हक नजर ही नहीं आता अच्छी बात समझ ही नहीं आती तो ये फिर अल्लाह का अजाब और ये अल्लाह का बहुत सख्त अजाब है जो ऐसे लोगों पर होता है और ऐसे लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा खसारे में होते हैं में अल्लाह फरमाते हैं कौल आमाला। कह दीजिए ये क्या हम तुम्हें खबर ना दें उन लोगों के बारे में जो सबसे ज्यादा खसारा उठाते हैं आमाल के अतबार से अल्लादीन फिलहत दुनिया बहुम युनू न सुना वो उनके दुनिया के आमाल ज़ाया हो गए और वो समझ रहे थे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं तो सबसे खसारे वाले लोग वो हैं बुरे काम कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि अच्छे काम कर जी मिस्तूबा जी असल वाले वरह सर ये जो आपने इसकी दूसरी तफसीर बताई है हमसे मुराद आखरत है तो सर इससे क्या मुराद होगा फिर आखरत का क्या मुजन किया गया उनके लिए आखरत के अमाल यानी दीन के अमाल दुनिया के अमाल वो वो समझते हैं हम दीनी तौर पर जो शिरक बिदात वगैरह कर रहे होते हैं जिनका तलब आखरत के साथ है जिनका तलब दुनिया के साथ है दुनियावी अमाल मुजीन कर देते हैं उनके उخ... आखरत के अमाल उनके लिए मुजीन कर देते हैं इन्होंने तफसर की है फजैम दुनिया फजैनफहन अमोर आखिर दुनिया के बुरे अमाल उनके लिए मुजीन कर देते हैं और जो उनके बाद आने वाले आखरत के अमूर है वो उनके लिए मुजिन कर देते हैं यानी मुराद क्या है उससे वो कहते हैं आखरत की याद भुला देते हैं आखरत की जो तकजीब करते हैं तो वो उस तकजीब को आखरत के इनकार को इनके लिए मुजीन कर देते हैं आखरत पे जो भूले होते हैं वो भूलना ही इनके लिए ये हो जाता है यानी मुराद ये है कि वो गलत काम कर रहे होते हैं और वो उनको एहसास नहीं होता हम गलत काम कर रहे हैं वो समझ रहे होते हैं कि हमारी बड़ी अक्लमंदी है हम सही करिए जी गौहर साहब वालेकुम सलाम इधर सिर्फ हम मुसलमान जब काफी मुलाद हैं तो ये मुसलमान भी हो सकता है देखिए अल्लाह ताला ने कोई नाम तो नहीं लिया किसी का अब जो बंदा भी अः एराज करेगा किताबों सुनने से अब एराज कुफार तो करते ही करते हैं मुसलमान भी एराज करने वाले होते हैं मुसलमान भी किताबों सुनत को छोड़कर दुनिया दुनियादारी के पीछे लग जाते हैं असल में देखिए जो भी अल्लाह की याद रखेगा अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करेगा दीन पर अमल करने की कोशिश करेगा तो वो बच पाएगा वरना फिर शुरु में आयत है कुरान करीम की अल्लाह फरमाते हैं कि हमें या शान आशवा रहमानी नक़ैब्लहू शैक़ानन जो अल्लाह के जिक्र से बेरगबती करता है तो हम उस पर शैतानों को मुसलत कर देते हैं शैतान मुसलत कर देते हैं फहू वलहू करीन शैतान उसके साथी बन जाते हैं और मैं या शवान रहमानी सूरा जखरूफ आयत नंबर छत्तीस जो अल्लाह के जिक्र से गफलत करे हम तो उसको शैतान मुसलत कर देते हैं तो अल्लाह के जिक्र से गफलत यहाँ सूर्य जुरूफ में इसको अल्लाह के जिक्र से गफलत करने वाले करार दिया अल्लाह के जिक्र से गफलत कुफ़ार भी करते हैं और मुसलमान भी अब नाम के मुसलमान हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते कुरान नहीं पढ़ते दीन नहीं सीखते दुनियादारी में हर वक़्त मगन रहते हैं तो जो दुनियादारी में हर वक़्त मगन रहेगा तो नमाज़ नहीं पढ़ेगा जिक्र रोजगार नहीं करेगा अल्लाह को याद नहीं करेगा कुरान नहीं पढ़ेगा दीन सीखने की कोशिश नहीं करेगा तो दुनिया में ही फिर मशगूल होगा तो फिर अल्लाह भी कहते हैं ठीक है तो जो तो जो चाहता है अल्लाह उसके साथ वैसा फिर अल्लाह शैतान वसलत कर देते हैं उसके ऊपर तो शैतान उनके दोस्त बन जाते हैं वो उनको सीधे रस्से से रोक देते हैं और वो ख्याल कर रहे होते हैं कि वो हदायत हैं वही बात है जो वहाँ जिक्र हुई जो हम पढ़ रहे हैं यानी शैतान उनको सीधे रस्से से रोकते हैं यानी बुराइयों पे डाल देते हैं और वो समझते हैं अच्छे काम कर रहे हैं तो एक मिनट जी तो यही बात यहाँ हम पढ़ रहे हैं सुरह सुरा, सुरा हामि सजदा में भी कि ऐसे लोगों के लिए हम बुरे साथी मुजैन कर देते हैं बुरे साथी शैतान भी होते हैं इंसान भी हो सकते हैं बुरी सोसाइटी इंसान मुराद भी हो सकते हैं बुरे साथी और शैतान भी तो वो उनके बुरे उनके लिए मुजीन कर देते हैं और आप देखिए फुर्क़ान में फरमाते हैं तुरा फ़ुर्कान आयतम सताइस इक्यामत के दिन जालिम काटेगा अपने दोनों हाथों पर अफसोस के मारे कहेगा काश के मैं रसूल के साथ रास्ता पकड़ता या वहीला वही फ़लानन खलीला हाय अफसोस मुझे काश के मैं फ़लां को दोस्त ना बनाता नकद अब यानी अलबत् थी कि उसने मुझे गुमराह कर दिया जिक्र से इसके बाद के जिक्र मेरे पास आया वान शैतानसानी खजूला और शैतान इंसान को रसुआ करने वाला है तो जो लोग असल में अच्छे लोगों को छोड़ करमा को छोड़ कर दरसे कुरान और इस किस्म की अच्छी महफिलों को छोड़ कर अच्छी सोसाइटी को छोड़ कर बुरी सोसाइटी में चले जाते हैं बुराई में मुबला हो जाते हैं अल्लाह का ज़िक्र से दूर चले जाते हैं तो ऐसे लोगों की किस की सोसाइटी इंसानों की भी बुरी बन जाती है और ऐसे लोगों पर शैतान मुसलत हो जाते हैं बसप डालने के लिए गुमराह करने के लिए और फिर बुरे माल उनके लिए मुजयन हो जाते हैं लेकिन फिर उनको उनकी आँख खुलती है मौत के बाद मौत आती है फिर आँख खुलती है तो क्यामत के दिन फिर उन्हें एहसास होता है क्यामत के दिन अब ये अपने हाथ काटेंगे अफसोस के मारे कि हमने क्या कर दिया काश के मैं फलां को दोस्त ना बनाता क्योंकि फलां की दोस्ती ने मुझे गुमराह किया है तो सुर में भी अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है वहाँ भी यही फरमाया है कि एक करीन होता है और ये करीन क्यामत तक साथ नहीं फिर छोड़ता वक़ाल करीन यहाँ भी करीन की बात है ना नज़लू और ये देखिए देखे काफ में भी नकदी गफल का कल गफलत में था आखिरत से क्यामत के दिन से हमने तेरा पर्दा खोल दिया तेरी आंख आज बड़ी तेज है वकाल करीन हूँ तो उसका करीन कहेगा उसका के ये मेरे पास तैयार रहा करता था या अतीत सर आ... हाँ जी मेरे पास तैयार था अल्किया जहन्नम डाल दो इन दोनों को कुल लग तो डाल दो जहन्नम में हर काफिर सरकश को मन्ना खीर मोतदी मुरीब जो बहुत रोकने वाला है खैर से और हद से बढ़ने वाला है शक में डालने वाला है जो बनाता है अल्लाह के साथ दूसरा मबूद डाल दो उसे सख्त अजाब में कला करीन उसका साथी कहेगा बुरा साथी रबना मात एल्ला मैंने इसे गुमराह नहीं किया ये तो खुद गुमराह था कला ला तख तस्म लदई तो अल्लाह फरमाएंगे ला तख तसीम लदैया मेरे पास झगड़ो नहीं वक़द कदम तो बिलवाि मैं तुम्हें डांट की बातें पहले पहुंचा चुका हूं दुनिया में यानी अब क्यामत के दिन इंसान और इंसान का जो बुरा हमनशीन है शैतान साथी वो क्यामत के दिन एक दूसरे को इल्जाम ठहराएंगे तो ये करीन ये हमनशीन ये जो लोग ज़िक्र से दूर होते हैं दुनियादारी में मगन होते हैं उनके साथ शैतान करीन वो मुसलत हो जाते हैं और इंसानों में बुरे साथी वो उनके साथी बन जाते हैं और बुरे अमाल को इनके लिए ये कर देते हैं और ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब होता है वह वक़ का और हक़ हो जाती है इनके ऊपर बात कौन सी बात अल्लाह के अजाब की बात तो इसे पता लगता है कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से दूर होते हैं और दीन पर अमल नहीं करते अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं तो फिर अल्लाह ताली उनके साथ वैसा ही मामला फरमाते हैं जैसे वो करते हैं दीन के साथ अल्लाह के के साथ वो के से बेरोगबती करते हैं दूर होते हैं तो अल्लाह तो अल्लाह ताला उन्हें हक से दूर कर देते हैं अल्लाह ताला उनके साथी जो हैं वो ऐसे मुकर कर देते हैं जिन और इंसानों में से जो उन्हें गुमराह करते हैं और जो उनके लिए बुरे अमाल मुजयन कर देते हैं वह हक अल कऊलू और हक हो जाता है उन पर बात उन पर बात हक हो जाती है अल्लाह की बात हक हो जाती है अजाब की बात फ़ी उमिन ख़त खलत मिन कबल हिमिन जिन्नी वल इंस। वो उस जमात में दाखिल हो जाते हैं जो इनसे पहले गुजर चुके इंसानों और जिन्नों की जमात। यानी जो यानी वो उन जिन्नों और इंसानों की जमात में दाखिल हो जाते हैं कि जो जहनमी हैं जिन्होंने जहनम में जा जो इनसे पहले गुजर चुके इंसानों और जिन वो इंसान और जिन जो सरकश हैं तो ये भी उन इंसानों और जिनों की उन सरकश जमात में ये भी शामिल हो जाते हैं इनके ऊपर ऐसे इंसान और जिन मुसलत हो जाते हैं वो इन्हें फिर हक रस्ते से रोकते हैं बुरे अमाल को मजयन करते हैं इन नमकान खासरीन बेशक ये लोग फिर बहुत खसारे में हो जाते हैं दुनिया इनके अमाल ज़ाय हो जाते हैं सारे कोई नकमल किया भी हो वकालीन कफ़रुला तस्माउल हाज़ल कुरआन और कहते हैं और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया ला तस्माउल हाजल कुरआनी न सुनो इस कुरान को वलफ़ी ही लाल तकलीबू और शोर मचा दो इसमें ताकि तुम गालिब आ जाओ कुफ़ार जब देखते थे शुरू में कि कुरानी करीम में बड़ी तासीर है जो भी कुरान सुनता है तो वो कुरान से मुतासर होता है तो कुफार ने एक एक तदबीर शैतानी एक हरबा ये अपनाया उन्होंने कहा कि जब भी नबी सल्लम कुरान पढ़ें तुम पर तो तुम लोग कुरान सुनने की बजाय शोर मचा दिया करो वो तुम पर कुरान पढ़े तो तुम कुरान ना सुना करो कुरान सुनोगे तो तुम पर कुरान का असर हो जाएगा वो कहते थे जादू है ये तो जादू हो जाएगा तुम पर कुरान पढ़े तो तुम शोर मचा दिया करो नबी किसी और को बाजु रसीहत कर रहे हो तुम वहाँ जाकर शोर मचा दिया करो उनको भी बात ना सुनने दो अगर वो बात सुनेंगे तो कहीं मुतासर ना हो जाए यानी कुफार को पता था कि कुरने करीम की बहुत तासीर है तो लोगों को कुरान की तासीर से रोकने के लिए एक तो उन्होंने मशहूर किया कि जादू है नबी सरम जादूगर है तो और यह मशहूर कर दिया कि यह कुरान इंसानी कलाम है और ये नबी सरम जादूगर है तो जादू कर देते हैं कुरान से और फिर कहा कि कुरान सुनो ना शोर मचा दो ताकि तुम गालिब आ जाओ अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर वो गालिब आ जाएंगे लोग मुसलमान होते जाएंगे अगर तुमने लोगों को ज्यादा मुसलमान होने से रोकना है तो उन्हें कुरान सुनने से रोकना होगा कुरान न सुनो शोर मचा दो पलाना का फरू अल्लाह फरमाते हैं बस हम ज़रूर जायका चखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया अजाबन शदीदन सख्त अजाब का जो लोग भी लोगों को कुरान से रोकते हैं कुरान सुनने से रोकते हैं कुरान पढ़ने से कुरान परमल करने से रोकते हैं तो ऐसे लोगों की अल्लाह के यहाँ बड़ी सख्त सजा है क्योंकि कुरान सबसे बड़ी हदायत है सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है जो लोग लोगों को इस रहमत से दूर करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह के यहाँ इनकी सजा भी बड़ी सख्त है पलन शरीद बस अलबत्त हम जरूर चिखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने किया आजाबन शरीदन सख्त अजाब का वालमजी कानू यालबत्म जरूर बदला देंगे उन्हें उस बुरे तरीन अमाल का जो वो करते थे यानी हम उनको उनके सबसे बुरे अमाल का बदला देंगे जो वो करते थे क्या मतलब यानी कुफार जो अमाल करते थे उनमें यानी थोड़े बुरे अमाल भी होते थे और ज्यादा बुरे अमाल भी होते थे झूठ चोरी जना वगैरह दीगर वो गुनाह भी करते थे और अकबरुल कबाइायर भी करते थे कुफुर शिरक, जादू और तोहमतें और नबियों को तकलीफ देना वगैरह वगैरह तो बड़े गुनाह भी थे और नस्बता छोटे गुनाह भी वो करते थे तो अल्लाह फरमाते हैं हम उनको आम गुनाह के बराबर बदला नहीं देंगे उनको उनके उन गुनाहों के बराबर बदला देंगे जो वो सबसे बड़े बड़े गुनाह करते थे जिनका बदला भी सबसे ज्यादा सख्त है तो हम उनको उनके सबसे बुरे वो अमाल जो वो करते थे उसके हिसाब से उनका सख्तरीन बदला देंगे वल्ल का जैसा उदा अन्नार ये बदला है अल्लाह के दुश्मनों का आग वो सबसे बुरे अमाल का सबसे सख्त बदला क्या है वो सख्तरीन आग है आग जहन्नम और जहन्नम में सख्तरीन अजाब अजाब फी फीहा दार्द उनके लिए उसमें यानी जहन्नम में हमेशगी का घर होगा वक्ती तौर पर वहाँ नहीं जाना बल्कि हमेशा हमेश के लिए वो उनका ठिकाना होगा और ये कोई अल्लाह की तरफ से उनके लिए कोई जुल्म ज्यादी नहीं होगी जजा बे माकानू बे आयातिन ये बदला है साथ उसके जो वो थे हमारी आयतों का इनकार करते हमारा हमारी आयतों का इनकार छोटा जुर्म नहीं है बहुत बड़ा जुर्म है सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह की आयतों का इनकार मन अजलन भी आई जाती जो अल्लाह पर जूठ बांधे उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को जुटलाए उससे बड़ा जालिम कौन होगा तो ये अल्लाह की आयतों को जुटलाते थे और बहुत ज़्यादा बुरे अमाल करते थे तो इनको इनके अमाल के मुताबिक इनको आग का बदला मिलेगा और हमेशगी की आग का बदला मिलेगा और, और ये बदला इस वजह से है जो हमारी आयतों का इनकार किया करते थे

अपने कदमों के नीचे लियकून आमिनलिन ताकि वो ज्यादा जलील लोगों में से ज्यादा नीचे लोगों में से हो जाए जब क्या, ये अब क्यामत की बात है कहेंगे कुफ़ार यानी क्यामत के दिन अब क्यामत के दिन की जो बात है मुस्तक़बिल की उसके लिए काला फैल माजी आयानी फैल माजी यकीनी बात के लिए होता है जो हो चुकी होती है मुराद यहाँ मुस्तबिल की बात है तो मुस्तबिल के लिए माजी का सगा इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये इतनी यकीनी बात है जैसे कि हो चुकी है तो काफिरों का ये कहना क्यामत के दिन ये इतना यकीनी है जैसे हो चुका इसलिए माजी के सी से है तो कुफार कहेंगे ए हमारे रब अरे ना दिखाएं दिखा हमें वो लोग वो दो लोग जिन्होंने हमें गुमराह जिन दोनों ने हमें गुमराह किया है और इंसानों में से तो इंसान को गुमराह करने वाले जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं कौन दो लोग हैं जिन्होंने गुमराह किया जिनों और इंसानों में से यही करीम जिनका पीछे आयत नंबर ट्वेंटी फाइव में जिक्र हुआ वकीयल तो कुराना हम उनके लिए मुकर मुकरर कर देते हैं साथी इंसानों में से भी साथी अल्लाह मुकर कर देते हैं बुरे साथी बुरी सोसाइटी और जिनों में से भी अल्लाह साथी मुकरर कर देते हैं तो क्यामत के दिन क्यामत के दिन तक ये साथी इनके साथ जाएंगे ये इंसान भी और जिन भी तो क्यामत के दिन अब ये इंसान ये कुफ़ार कहेंगे ए अल्लाह हमें दिखा हमारे वो दो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया वो इंसानों में जो जिन्होंने हमें गुमराह किया जिनों में से हमें जिन्होंने गुमराह किया अल्लाह उन्हें हमें दिखा हम क्या करेंगे हम आज हम उनसे बदला लेंगे हम हमारी दुनिया तबाह हो गई हमारी आखरत तबाह हो गई तो इन लोगों की वजह से हमारी दुनिया आखरत तबाह हुई हमेशा हमेश के लिए हम जहनवी हो गए अः अल्लाह वो किधर है उन्हें हमें दिखा न जाा तहत कदामी ना हम उन्हें पाँव तले रोन रोन डालें हमें उन पर इतना गुस्सा है कि उनकी वजह से हम गुमराह हुए तो हम उन्हें कदमों के नीचे करें ताकि वो नीचे हो जाएं वो जलील हो जाएं या तो मुराद है कि वो जलील हो जाएं या मुराद है कि वो जहन्नम के निचले घड़ों वालों में से हो जाएं वो ज्यादा सख्त अजाब में हो जाएं जहन्नम में आपको पता है कि घड़े हैं और जो सबसे निचला घड़ा है उसको दर दरक़ात कहते हैं तो सबसे निचला गढ़ा है वो सबसे सख्त है और जन्नत में दर्जात हैं ऊपर तो सबसे ऊंचा है वो सबसे अफजल दर्जा है तो क़्यामत के दिन जब कुफार देखेंगे हम तो तबाह बर्बाद हो गए और तबाह बर्बाद होने की वजह ये हमारे इंसान और जिन साथी थे तो कहेंगे अल्लाह हमें वो इंसान और वो दो लोग दिखा हमें जिन दोनों ने जिनों इंसानों में से हमें गुमराह किया हम उनको अपने कदमों तलें कर दें और ताकि वो लोग जलील हो जाए नीचे वालों में से हो जाए तो ये है इंजाम उन लोगों का कि जो लोग दुनिया के अंदर एराज की बेपर बेपरवाही की ज़िंदगी गुजारते हैं और गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं दीन के बारे में अल्लाह रसूल के बारे में कोई परवाह नहीं करते और वो अपनी ज़िंदगी ऐश इशरत के मुताबिक गुजारते हैं और अल्लाह रसूल के अहकाम की कोई परवाह नहीं है अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो इन लोगों का पर उसी जैसे अजाब आएंगे दुनिया में जैसे कौम आत कौम समूद पर आए और आखिरत में इन लोगों के साथ बदतरीन मामला होगा अल्लाह ऐसे लोगों के लिए ऐसे इंसान और ऐसे जिन मुकर देते हैं कि जो इनके लिए इनके बुरे अमाल को मुजन कर देते हैं ऐसे लोगों को फिर अकेले बैठ के गौर करने का सही तरीके से सोच सोचने का मौका नहीं मिलता और कोई सही सोचना भी चाहते हैं इनके साथ ही उन्हें इन्हें गलत तरफ लगा देते हैं और ये अपने हर गलत काम को फिर अच्छा समझते हैं और फिर ये दुनिया में भी तबाह हो जाते हैं आखिरत में भी तबाह हो जाते हैं ये साथ ही इनके साथ दुनिया में भी इनके साथ होते हैं तबाह बर्बाद करते हैं इन्हें गुमराह करते हैं और ये आखिरत में इनके साथ जाएंगे और ये सब इकट्ठे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे जैसे सराह आफ के हवाले से हमने पढ़ा और कुरान करीम में कई और जगह पर भी अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया है तो इसी पर बस करते हैं तो बाकी इंशाल्लाह आइंदा शौहर्त जिंदगी सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यस्िफून والسلامুন अलैल मुरसलीन والحمدللہ رب العالمین